ये देखो रोड है, कौन सा रोड है गैस करो, कौन सा हाईवे है गैस करो और कमेंट में डालो। वैसे मैं बता देता हूँ एक ऑप्शन आपको, ये ईस्टर्न पेरिफेरी है, हो सकता है दूसरा है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। और हम जा रहे हैं नारकंडा की तरफ। तो कहाँ जा रहे हैं? नारकंडा की तरफ। अब देखते हैं कहाँ स्टॉपेज होगा हमारा, फर्स्ट स्टॉपेज कहाँ होगा, लेकिन अभी हमारा प्लान तो नारकंडा का ही है। और रोड काफी सही है, होपफुली आज ट्रैफिक ना मिले। पिछली बार हमें ट्रैफिक बहुत मिल गया था, है ना नू? दिमाग खराब हो गया था हमारा ट्रैफिक की वजह से। इस बार ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो मजा आएगा। बाकी दिखाते हैं आपको रास्ते में और क्या क्या चीजें होती है। ये देखो टॉल का डिजाइन, ऐसा टॉल का डिजाइन देखा है? समझ में आ रहा है कौन सा? ये समझो समझो, गेस करो गेस करो, मस्त लग रहा है। साहब टॉल आ गया है और डिजाइन के नीचे हम चले गए, धनुष बाण के नीचे चले गए। भाई बरिस्ता आ गया, बरिस्ता, अब हम बरिस्ता। भाई हम चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ में लगा हुआ है बहुत ज्यादा जाम, और चंडीगढ़ में ऐसा जाम हमेशा ही मिलता है। ये देखो पब्लिक कितनी ज़्यादा खड़ी हुई है। टाइम इस वक्त टाइम हो रहा है 6:16 और मैप दिखा रहा है फुल जाम। कोई नहीं पहुंच जाएंगे, देखते हैं आज का क्या टारगेट रहता है अपना। ये देखो व्यू, अब व्यू तो कुछ दिख नहीं रहा, रात को अंधेरा हो गया ना, 8 बज गए और हम कसौली में। और ये रूम का व्यू है, रूम देख लो, दो इंसान बैठे हुए हैं। हेलो और अभी बाहर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है रिसोर्ट जहाँ पे हम लोग रुके हैं, और हन्नू ले रहा है मोज। हेलो, वहाँ पे फायर जल रही है, ये देखो पब्लिक। मौसम तो चिल है यहाँ पे भी, वैसे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, काफी सुंदर सा है, मजा आ रहा है। बहुत सारा भाई साहब, बहुत सारा आ रहा है। तो भैया भैया नहीं, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है, चिल्ल चिल्ल। हमने टोपियां पहन ली है कसौली में आके, पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, सुबह दिखाऊंगा क्या क्या है यहाँ पे। सुबह सुबह बहुत कुछ नजर आएगा, अभी कुछ नजर नहीं आएगा। तो रेस्टोरेंट, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, पूरा वुड में बना हुआ है, ये सारा वुड में बना है, बहुत सुंदर सा है। पीछे दिखेगा नहीं ना बेटा, अभी अभी क्या दिखेगा, लाइट वाइट जल रही है पहाड़ों में, अभी दिखेगा नहीं कुछ भी। गुड मॉर्निंग गाइस, और हम पहुंच गए हैं कसौली में। तो अभी यहां से व्लॉग शुरू करते हैं। आज नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग हो गई है। ये देखो पहाड़, छोटे पहाड़ है, हालांकि उतने बड़े पहाड़ नहीं है, और नीचे से रोड भी नजर आ रहा है। ये है कसौली का रोड जो जा रहा है शिमला की तरफ, और वो देखो पहाड़। यहाँ पे सनराइज जल्दी होता है, सनराइज हो गया, मस्त लग रहा है देखने में। तो ये अपनी नई गाड़ी से पहला वीडियो है। हमने चाय मंगा ली है पीने के लिए, अभी चाय पियेंगे, देखते हैं कैसी चाय बनाई है इसने। वैसे मेरा मन था कि हम बाहर जाके चाय पिए, मंगा लिए तो पी भी लेंगे, मजा आ रहा है। देखो पीछे का क्या नजारा है, नजारा तो कुछ भी नहीं, अभी आगे दिखे व्यू देखो। हम दिल्ली से आ चुके हैं कसौली में, कसौली आ चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम नारकंडा में अंडा खाने, शिमला। हाँ पहले तो शिमला आएगा, उसके बाद आएगा कुफरी, उसके बाद नारकंडा, और उसके बाद सांगला। पहाड़ों की सुबह को देखने में बहुत मजा आ रहा है, गाड़ी में चलते हुए जो फेस पे पड़ती हुई धूप है, इट्स लाइक वेरी मीठी मीठी धूप। अभी तो धूप आ गई इसलिए 10-11 डिग्री होगा, वरना रात में 3 डिग्री था कसौली। तो हमने छोटा सा स्टॉप ले लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, और ये हन्नू को लग रही है भूख, और ये कह रहा है मैं मटन चावल खाऊंगा। तो अभी मटन चावल खाने का प्रोग्राम है, है ना? क्या खाएं, मटन चावल, चिकन चावल? मटन चावल। मटन चावल खाने का प्रोग्राम है, तो अभी मटन चावल खाएंगे और चाय पियेंगे बस, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अभी गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो बिना खाए पिए गोल गोल घूमना बेकार है। हन्नू कैसे घूम रहा था? गोल 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 गोल।
अब देखो, या तो हम अभी नारकंडा जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास टाइम बचा तो हम सांगला भी पहुँच जाएंगे। मेन मजा तो रास्ते का है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ है। तो हम निकल गए हैं अब कसौली से और रोड पे धूप बिखर गई है और चलने में मजा आ रहा है। हन्नू एंड मम्मा आर सिटिंग बिसाइड, ये देखो हन्नू एंड मम्मा को भी देखो। तो बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा और चलने में भी मजा आ रहा है। अभी फिलहाल में रोड काफी अच्छी बन गई है यहाँ पे, पहले की तरह नहीं है जैसे पिछली बारी थी। तो हमने नारकंडा वाला रास्ता ले लिया है और शिमला, जो शिमला है, शिमला दिख रहा है पहाड़ पे, सारा पूरा शिमला पहाड़ पे नजर आ रहा है और जंगल के बीच बीच में चल रहे हैं। बाईपास है ये, बाहर से शिमला के अंदर से नहीं लिया रास्ता क्योंकि शिमला के अंदर तो बहुत ट्रैफिक मिलता है, इसलिए बाईपास वाला रास्ता लिया है। रास्ता बढ़िया है, ट्रैफिक है नहीं, वो देखो घर ही घर बने हुए हैं शिमला में, अगर उस रास्ते से जाते तो क्या हाल होता। क्यों भाई हन्नू, बहुत देर लगती यार, बहुत ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। ये देखो मौसम, इसकी क्वालिटी बड़ी सही आ रही है ना बाबू। कब हुआ ये वेटिंग एरिया? आज यहाँ पे शादी है, लो हन्नू आप बनाओ हमारा। यहाँ पे शादी तो रात में लगेगा मेला और अभी हम जा रहे हैं स्क्रीन के आगे, वो हाथ मत करो। ओके तो अब वहाँ से हम पहले सुनो कहीं नहीं, वहाँ से हम कुछ खाने जाएंगे। ये रहा आगे, आ जाओ। ये रिसोर्ट का डॉग है, आगे वो दिख रहा होगा। ये देखो, ये देखो माउंटेन, वो देखो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वो देखो शादी का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ देखो हिमालय पर्वत है, वो देखो हिमालय वहाँ पे, अरे पूरी स्नो, बहुत सारी स्नो है वहाँ। हाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही? इनको नहीं दिख रही। किसको नहीं दिख रही? इन लोगों को। इन लोगों को तब दिखेगी जब तू बताएगा पूरी स्नो वहाँ पे। तो देखो घर दिख रहे हैं कितने, घर बना रखे हैं, जूम होता है इसमें, रूम ही होते हैं घरों में और क्या होते हैं। अरे जूम। हाँ तो यहाँ पे हम अब खाना खाने आ गए हन्नू के साथ, और हन्नू ने बड़ा अच्छा काम करा था, स्नो में घुस गया था, नीचे देखा नहीं। भाई हन्नू कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है। देखो क्या मस्त लग रहा है, लाइटें जल रही है ना थोड़ी थोड़ी सी, तो जबरदस्त व्यू आ रहा है। अब कैमरे में तो इतना अच्छा व्यू आएगा नहीं, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो बड़ा मस्त दिख रहा है भाई साहब। हन्नू एंड पापा आर एंजॉयिंग, क्या नाम है इसका, फागु एप्पल ब्लॉसम्स, एप्पल ब्लॉसम इज द रिसोर्ट, सरकारी वाला है ये, बढ़िया है, मजा आ रहा है। और ठंड ने फुल प्रोग्राम तैयार कर रखा है और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है भाई साहब, चिल्ड प्रोग्राम चल रहा है बिल्कुल। अभी स्नो दिखाता हूँ मैं, स्नो पूरी स्नो जमी हुई है दीवार पे, क्या मस्त प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब। फ्रीजर चल रहा है, फ्रीजर भाई, फिर तू घुस रहा है। ये हन्नू बार बार स्नो में घुस जाता है भाई साहब, मौसम का पूरा मजा उठा रहे हैं इस वक्त हम लोग, तो छुट्टी सही सेलिब्रेट हो रही है, बस मम्मा की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है। पापा एंड हन्नू आर एंजॉयिंग। मम्मा को ठंड लग गई है बहुत अच्छी वाली। हमने बोला था टोपा पहन लो, नहीं पहना टोपा, हो गया प्रोग्राम।